हेलो फ्रेंड्स, आज हम पालक के सीड से पालक को ग्रो करने वाले हैं। जैसे कि हमने कहा था आपसे कि पालक को ग्रो करना बहुत ही आसान है, वही आसान तरीके से हम आज आपको पालक को ग्रो करना बताने वाले हैं। जैसे कि हम पालक की जो रूट्स आते हैं मार्केट से, जो हम पालक लाते हैं उस पालक के रूट्स से भी हम पालक को ग्रो कर सकते हैं, तो वही आज हम आपको बताएंगे। और सीड से भी हम पालक को ग्रो करना बताएंगे। तो चलिए, ये कैरी है, इस कैरी में हम पालक को लगाएंगे। चलिए देखते हैं। नमस्कार, मैं सुप्रिया बाकल महाराष्ट्र से, स्वागत है आप सभी का सुप्रिया किचन गार्डन में। ये देखिए, ये पालक के रूट्स है, ये हमारे गार्डन की ही पालक है जो हम अभी इसके रूट्स से लगाना आपको बताएंगे। ये आपको बताने के लिए ही हमने ये पालक निकाली है। तो ये ऊपर की तो पालक हमने निकाल ली है, उसकी सब्जी में यूज़ कर दिया है उसके लिए उसको, और ये जो रूट्स है उनको यहाँ पर इसमें लगा देंगे। इसमें पहले से ही हमने मिट्टी प्रिपेयर करके रखी है, जैसे कि हमने इसमें 50% मिट्टी ली है और 40% वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और हमारी किचन वेस्ट खाद इस तरह से मिलाकर लिया है। ज़्यादातर हमने इसमें गोबर की खाद डाली है, क्योंकि हमें ये लीफी वेजिटेबल्स को सिर्फ ग्रो करना होता है, इसमें कुछ फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं होती है, तो हम सिर्फ गोबर की खाद भी ऐड करें तो चल जाता है इसमें। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम लगा देंगे। और कुछ 10% हमने इसमें कोकोपीट भी ऐड किया है, ताकि हमारी मिट्टी हल्की और भुरभुरी रहे। ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है, इसके जो लीव्स है वो एक दो दिन में ही आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि इसमें लीव्स जो है वो जल्दी ही ऐसे ग्रो हो जाते हैं, और 8-10 दिन में हमें लीव्स खाने के लायक भी हो जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये कैरी बहुत ही हमने छोटी सी कैरी बनाई है, हम जहाँ पर थोड़ी छोटी सी जगह मिल जाती है, इस तरह से लीफी वेजिटेबल्स लगाने के लिए हम छोटी सी कैरी बना देते हैं। नीचे में हमने ये पॉलीथीन शीट बिछा दी है, और साइड में हमने ईंटें रखी है, सिर्फ एक ईंट के ही लेयर रखी है, उसी में हमने मिट्टी डाली है। बहुत ज़्यादा मिट्टी भी नहीं चाहिए इसे, बहुत कम मिट्टी में भी ये पालक आ जाती है। और हमने कई बार आपको वीडियो में, जब भी हम हार्वेस्ट करते हैं पालक, तो हमने आपको बताया है कि आप रूट से पालक लगाकर देखिए। अगर हमारा वीडियो देखकर किसी ने रूट से पालक ग्रो की हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ताकि हमें भी पता चले कि आप यानी कि आपने ग्रो की है, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, हमारे रूट से तो पालक लगाना अब हो चुकी है, अब आधे पोर्शन में हम सीड्स से पालक ग्रो करेंगे। ये देखिए, ये सीड्स है पालक के, तो ये हम सीड्स यहाँ पर डालेंगे। और सीड्स से भी पालक जल्दी ग्रो हो जाती है, चार दिन में वगैरह ये इसके शूट्स निकल कर आते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसके सीड्स होते हैं। अभी हम ये सीड्स को यहाँ पर डालेंगे, अच्छे से आप मिट्टी को लेवल कर ले, ताकि हमें थोड़ी सी मिट्टी हटानी भी होगी, क्योंकि हम जब सीड्स डालेंगे तो उसके ऊपर भी हमें मिट्टी स्प्रेड करनी होगी। मिट्टी के सीड्स के ऊपर मिट्टी ढक जाए इतनी ही मिट्टी डालनी है, ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है। अगर हम ज़्यादा मिट्टी डालेंगे तो सीड्स हमारे दब जाएंगे अंदर और वो उग नहीं पाएंगे, और इसलिए हमें थोड़ी सी ही मिट्टी उसके ऊपर ढकनी है, ताकि वो सीड्स अच्छे से ढक जाए। और उसको मिट्टी में जब हम पानी डालेंगे तो सीड्स को नमी मिले इतनी ही मिट्टी हमें ढकनी है। ये हम सीड्स ज़्यादा डाल रहे हैं, जब हमें ये ग्रो हो जाएंगे तब हम उतने ही प्लांट्स रखेंगे जितने हमें चाहिए, इतने प्लांट्स हम नहीं रखेंगे, ये बहुत सारे उग कर आने वाले हैं। तो इतने सारे हम अगर उगाएंगे तो ये बहुत घने हो जाएंगे और उतनी अच्छी ग्रोथ उनकी नहीं होगी। तो जब ये ग्रो होंगे तो अब हम उनको जो जितने प्लांट्स हमें चाहिए उतने ही हम रखेंगे, बाकी के प्लांट्स को हम निकाल देंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान है लीफी वेजिटेबल्स को ग्रो करना, और सबसे आसान तो है पालक ग्रो करना। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि पालक ग्रो करना बहुत आसान है,
आपके घर में जो मार्केट से पालक लाते हो उसी के रूट्स लगाने हैं। देखिए मैंने वही रूट्स लगाए हैं साइड में, और उसकी ग्रोथ भी मैं आपको दिखाऊंगी कुछ दिनों के बाद। ये ग्रो करेंगे अच्छे से और ये मरती नहीं है पालक। आप और जो रूट्स से हमने पालक लगाई है ना, उससे फिर फ्लावर्स आएंगे और सीड्स भी आएंगे। अगर आपको सीड्स चाहिए तो आप पालक के सीड्स भी ले सकते हो, लेकिन मैं तो सीड्स नहीं लूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सीड्स हैं ऑलरेडी। यहाँ पर देखिए हम हल्के से पानी छिड़क रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पर 15 दिन के बाद का ये रिज़ल्ट। जो पालक हमने रूट से लगाई थी उसमें तो बहुत सारे लीव्स आ चुके हैं, और जो सीड्स लगाए थे वो भी प्लांट्स ग्रो हो चुके हैं। देखिए ये कैरी की जो लेयर है, एक ही ईंट की लेयर में हमने ये कैरी बनाई है। आप भी इस तरह से बना सकते हो। ज़्यादा ईंटें भी नहीं लगी है और कुछ ज़्यादा मिट्टी भी नहीं लगी है, और ये शीट देखिए छोटी सी ही है और बहुत आसान भी है। आप अपने गमले में भी लगा सकते हो पालक के रूट्स। बहुत सारे छोटे छोटे लीव्स भी आ रहे हैं और बड़े भी लीव्स हो चुके हैं, और भी ग्रो करेंगे ये जैसे जैसे आप वक्त होगा वैसे वैसे। और यहाँ पर हमने पालक के जो प्लांट्स थे वो ज़्यादा के जो प्लांट्स थे वो हमने हटा दिए हैं, बहुत घने हो चुके थे तो हमने उतने ही रखे हैं जितने कि हमें चाहिए, और बाकी के हमने निकाल लिए हैं प्लांट्स। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से ग्रो कर सकते हो अपने घर में आई हुई पालक से। आपके पास सीड्स भी नहीं है तो कोई बात नहीं, पालक तो हर रोज़ हमारे घर में आती रहती है, तो उसी से आप ग्रो करके देख सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और सबसे बड़ी बात प्लांट्स लगाओ, नेचर बचाओ, ऑर्गेनिक खाओ और स्वस्थ रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, और अगले वीडियो में हम हार्वेस्टिंग दिखाएंगे हल्दी और हमारा स्वीट पोटैटो का। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार, थैंक यू।